के हाय एवरीवन। सो आज हमें HCV का एक क्वेश्चन डिस्कस करना है, क्वेश्चन नंबर 69। तो इट सेज अ डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर अपार्ट विद देयर प्रिंसिपल एक्सिस कोइंसाइडिंग। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस सो दैट इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ओके, सो व्हाट इज गिवन? हमारे पास एक कॉनकेव लेंस है एंड एक कॉन्वेक्स लेंस है, समथिंग लाइक दिस। दोनों की जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो कॉमन है। फोकल लेंथ आपको गिवन है, इस कॉनकेव की कितनी है 20, कॉन्वेक्स की कितनी है फोकल लेंथ 30, जो सेपरेशन है बिटवीन द टू लेंसेस दैट इज गिवन 15। नाउ हमें वो पोजीशंस फाइंड आउट करनी है इस प्रिंसिपल एक्सिस पे, जहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं देन जो फाइनल इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी। नाउ आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है, या तो आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कहीं पे रख सकते हो कॉनकेव लेंस के लेफ्ट में, या फिर ऑब्जेक्ट को आप रख सकते हो कॉन्वेक्स लेंस के राइट साइड में, यहाँ पे कहीं पे रख सकते हो, है ना। सो बेसिकली दो पॉसिबिलिटीज है। तो हम केस वन की बात करते हैं। केस वन में आपके पास जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, वो यहाँ पे कहीं पे रखा हुआ है, बेसिकली कॉनकेव लेंस के लेफ्ट में। मान लो मैंने यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट को रख दिया, देन व्हाट विल हैपन? फर्स्ट इमेज बनेगी बाय दिस कॉनकेव लेंस। लेट्स से इसने जो इमेज बनाया यहाँ पे कहीं पे I1 बना दिया। नाउ ये जो I1 है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए, और ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इस I1 की जो फाइनल इमेज बनाएगा I2 वो कहाँ पे बनेगी? इन्फिनिटी पे। सो इस केस में जो फाइनल इमेज बन रही है वो कौन बना रहा है? कॉन्वेक्स लेंस। सो कॉन्वेक्स लेंस किसी ऑब्जेक्ट की इमेज इन्फिनिटी पे कब बनाता है? आप देखो मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, इस तरह से मैं कॉन्वेक्स लेंस को स्टडी करता हूँ। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। इसके दो फोकस होते हैं, एक होता है यहाँ पे फोकस और एक होता है यहाँ पे फोकस। सो अगर आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखते हो इस वाले फोकस पे, देन आप देखो रेज ऐसे जाएंगी और यहाँ से फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। सो बेसिकली इस केस में जो इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी, और इसको हम कहते हैं बेसिकली फर्स्ट फोकस। ये थोड़ा सा डीप में है। फर्स्ट फोकस क्या है? फर्स्ट फोकस इस तरह से डिफाइंड है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को लेंस के फर्स्ट फोकस में रखते हैं देन उसकी जो इमेज बनती है वो इन्फिनिटी पे बनती है। देन ये वाला फोकस क्या है? दिस इज बेसिकली सेकेंड फोकस। सेकेंड फोकस किस तरह से डिफाइंड है? सेकेंड फोकस इस तरह से डिफाइंड है कि अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज लाते हो, पैरेलल रेज है ना, विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन ये जो रेज है ये रिफ्रेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे आके मिलती हैं वो आपका सेकेंड फोकस होता है। सो इमेज इन्फिनिटी पे बनने के लिए ऑब्जेक्ट को लेंस के फर्स्ट फोकस पे होना चाहिए, और ये वाला जो कॉन्वेक्स लेंस है इसके लिए फर्स्ट फोकस यहाँ पे होगा। सो अगर मैं कहता हूँ कि इसकी फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है, देन इस तरह से आपको 30 सेंटीमीटर पे रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को। सो इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है? I1। सो बेसिकली I1 की जो पोजीशन होगी इस तरह से देखो, ये कॉन्वेक्स है, यहाँ पे कॉनकेव था, और इनके बीच में जो डिस्टेंस था वो कितना था? 15। अब हमें पता है कि ये जो कॉन्वेक्स है इसकी फोकल लेंथ कितनी है? 30। सो जो I1 होना चाहिए, I1 जो कि कॉन्वेक्स का ऑब्जेक्ट है ना, कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो तो I1 है, और उसका जो पोजीशन होना चाहिए वो 30 पे। अब ये 15 है, सो यहाँ से 15 और जाओ, सो बेसिकली यहाँ पे आपको मिलेगा क्या? I1। अब ये जो I1 है ये क्या है? ये इमेज है। ये इमेज किसने बनाई है? इस कॉनकेव लेंस ने बनाई, राइट? सो अब आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हो ना, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए सो दैट ये जो कॉनकेव लेंस है ये उसकी इमेज I1 कहाँ पे बनाए? 15 सेंटीमीटर पे। ये सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब देखो इस कॉनकेव लेंस के लिए जो वी है, वी इमेज का पोजीशन वो -15 है, इसके लिए जो एफ है फोकल लेंथ वो -20 है। तो इसके लिए क्या यू आप फाइंड आउट कर सकते हो? ऑफ कोर्स कर सकते हो, 1 बाय
वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ, वन बाई वी माइनस 15 माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई माइनस 20। इसको बस सॉल्व करो, वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई 20 माइनस वन बाई 15, दैट इज बेसिकली 15 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 300, दैट इज बेसिकली माइनस 5 बाई 300, सो दैट इज बेसिकली माइनस का 1 बाई 60। सो जो u की वैल्यू आ रही है वो माइनस 60 आ रही है। सो जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए ना, कहाँ पे होना चाहिए, माइनस 60 पे। सो ऑब्जेक्ट आपको कहाँ पे रखना पड़ेगा, यहाँ से जाओ आप 60 और यहाँ पे आप रखो ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट माइनस 60 पे रखा हुआ है इस कॉनकेव लेंस से, सो दैट इस कॉनकेव लेंस ने जो इमेज बनाई वो बनाई आई वन पे। आई वन कहाँ पे है, ये 15 सेंटीमीटर पे, और आई वन इस तरह से 15 सेंटीमीटर में आया कि ये 15 और ये 15 मिलके 30 हो गए, जो कि इसकी फोकल लेंथ है। और जैसे ही आई वन इसके फोकल लेंथ पे आया, फर्स्ट फोकस पे, जो इमेज बन गई वो इन्फिनिटी पे बन गई। सो ये फर्स्ट केस सॉल्व हो गया। सेकेंड केस की बात करते हैं। सेकेंड केस में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस के राइट में। और आप इस तरह से डायग्राम ड्रॉ कर लो, यहाँ पे कॉन्वेक्स ले लो, यहाँ पे कॉनकेव ले लो, है ना। मैंने लेंस को ही बदल दिया, लाइक सेम ही चीज है, राइट, सो दैट हम ऑब्जेक्ट अगेन यहाँ पे ले सकते हैं। बेसिकली वो उल्टा हो जाता है ना, वहां से ऑब्जेक्ट लेना फिर इस तरफ इमेज बनाना। नाउ इस केस में आप देखो कि जो आई वन बनेगा, है ना, ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे रखेंगे ऑब्जेक्ट, इस बार जो आई वन बनेगा वो कौन बनाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। फिर जो आई वन बनेगा, मान लो यहाँ पे कहीं पे आई वन बना, अब ये जो आई वन है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा किसके लिए, कॉनकेव लेंस के लिए। सो कॉनकेव लेंस इस आई वन की जो इमेज बनाएगा आई टू, वो कहाँ पे बनाएगा, इन्फिनिटी पे। नाउ कॉनकेव लेंस किसी ऑब्जेक्ट की इमेज इन्फिनिटी पे कब बनाता है, ये आपका कॉनकेव लेंस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सेस है। इसके भी दो फोकस होते हैं, एक फोकस यहाँ पे होता है, एक फोकस यहाँ पे होता है। सो जब ऑब्जेक्ट इस वाले फोकस पे होता है ना, इस तरह से आप देखो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है, ये इंसिडेंट रेज है जो कि इस वाले फोकस पे आती हैं, राइट, इस तरह से इस वाले फोकस पे अगर आती देन यहाँ पे रिफ्रेक्शन होने के बाद वो पैरेलल हो जाती है इस तरह से, राइट। सो ये आपका बेसिकली वर्चुअल ऑब्जेक्ट है जिसके लिए रिफ्रेक्शन के बाद रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं और जो इमेज बनती है वो इन्फिनिटी पे बनती है। सो इसका बेसिकली ये वाला जो फोकस होता है ये आपका फर्स्ट फोकस होता है, और ये वाला जो फोकस होता है ये सेकेंड फोकस होता है। सेकेंड फोकस किस तरह से डिफाइंड है कि अगर हम अगेन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज लेके आते हैं, राइट, इस तरह से मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज लेके आई, देन रिफ्रेक्शन के बाद वो इस तरह से डाइवर्ज हो जाती हैं, और कहाँ से आती हुई लगेंगी, सेकेंड फोकस से। जस्ट वही रिपीट टेलीकास्ट है जो कि हमने कॉन्वेक्स लेंस के लिए बातें की थी। सो बेसिकली आप देखो कि अगर इस कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ 20 है ना, सो आपका जो आई वन होना चाहिए वो यहाँ पे होना चाहिए, आई वन, है ना, आई वन। सो आई वन इसके इस तरफ 20 पे होना चाहिए। सो अगर हम देखें ये आपका कॉनकेव लेंस है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, सो बेसिकली जो आई वन होगा जो कि कॉनकेव के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है वो कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ से 20 पे, राइट, ये आपका आई वन है। और ये जो आई वन है ये बेसिकली इमेज है, ये इमेज किसने बनाई है, यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा है, और इस ऑब्जेक्ट की इमेज आई वन किसने बनाई है, इस कॉन्वेक्स लेंस ने, और ये डिस्टेंस कितना है, ये 15 है। सो इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए अगर हम स्टडी करते हैं, राइट, सो इसके लिए v कितना हो जाएगा, 15 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया ये 35। इसके लिए जो f है वो कितना है, 30। सो इसके लिए u फाइंड आउट कर सकते हो, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, 1 बाय v माइनस 1 बाय u, 1 बाय v माइनस 1 by u is equal to 1 by f. So, यहां से 1 by u जो निकल के आ रहा है वो है 1 by 35
माइनस 1/30। सॉल्व करो इसको, 30 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 35 इंटू 30, सो बेसिकली माइनस 5 डिवाइडेड बाय 35 इंटू 30, सो बेसिकली इसको 7 कर देते हैं, सो 210 और 1 माइनस, सो u का जो वैल्यू निकल के आ रहा है माइनस 210। सो बेसिकली जो आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो कहाँ पे होना चाहिए, आपका जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो यहाँ से 210 पे होना चाहिए, सो दैट उसकी जो I1 इमेज बनेगी राइट वो कहाँ पे बन जाएगी, 35 पे। और ये जो I1 है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा इस कॉनकेव लेंस के लिए, और ये फिर इसकी इमेज इन्फिनिटी पे बना देगा। रे डायग्राम मैं बना के दिखाऊं रफ, इस तरह से ये कुछ ऐसे जा रहा था इसके फोकस पे, और फिर यहाँ से इसने ऐसे इसको पैरेलल कर दिया। ऊपर वाले केस में बना सकते हैं, ऊपर वाले केस में देखो, इसमें रफ डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करो, रफ रे डायग्राम, तो कुछ इस तरह से आएगा। जो आपका ऑब्जेक्ट था यहाँ से ये ऐसे ना, इसने फर्दर डाइवर्ज कर दिया, यहाँ पे रेज मिली। अच्छा मतलब ये थोड़ा लेंस बड़ा करो इसको, तभी तो इससे रेस पास करेंगी ऐसे, और फिर यहाँ से पैरेलल हो गए, सो दैट इमेज इन्फिनिटी पे बनी। एनीवे, सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, बाय।